अच्छा सीन है। ये देखिए मारकुंडी पहाड़ उतरने का जगह है। वाओ ब्यूटीफुल। ये देखिए तो कुछ लूप है, पिकनिक स्पॉट, मस्त पिकनिक स्पॉट है। कैसे चिल्लाते हुए जा रहे हैं कुल रे, अरे बाप रे बाप, कितना बढ़िया लग रहा है, सीन है सीन। वाह, मारकुंडी से अब उतरते हुए, मारकुंडी से अब उतरेंगे। अरे ट्रकवा बजाए दो। ये देखिए मारकुंडी से कुछ इस तरह लुक है। मारकुंडी का नीचे देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, एकदम छोटा छोटा रोडवा दिख रहा है। अरे रुक रे किनारवा, रुक के है रो बंदे रे, बंदड़ी के काम कर लेगा तो का हुआ, यहां पे नहीं रोक सकते। ये देखिए कुछ सीन है, कितना बढ़िया लग रहा है। वो बिचवा वाले पे हम तुमसे कहे थे ना, ये जो पहाड़िया तो पत्थरवा वाले के पास चलने के लिए, पत्थरवा वाले के पास इधर देखिए कुछ। ये भाई अरे यार, अरे देखिए रोड, ये रोड है एक तो, ये पूरा अभी जाएंगे इधर से नीचे से उतरेंगे, एक मोड़ दो मोड़ तीन मोड़, तीसरा मोड़ सबसे खतरनाक है भाई, गजब सीन है। ये मारकुंडी के पहाड़ के ऊपर है हम लोग। ये कौन चीज तो पत्थर उत्थर का नाम बोला जाता है यार, ये मारकुंडी पहाड़ का कुछ लुक है इतना बड़ा। ट्रक देख रहे हैं नीचे उतर के जा रही है, पूरा पहाड़ काट के बना हुआ है सीन। ये वाला कह रहे हैं इस पे चलो ना इस पे। ये देखिए मारकुंडी पहाड़ पे यही कुछ लुक है मारकुंडी पहाड़ का। जैसे ये देखिए उतरने का भी चढ़ाई है, अभी नीचे चल के दिखाएंगे। तो चलिए भैया बंदर बंदर, ये देखिए प्यारा सा क्यूट सा बंदर है, मंके बेबा ए बेबा, इधर से आए बहुत, इधर रहते हैं पहाड़ पे बंदर। चलो चलो चालू करो, नहीं तो हो जाएगा हम लोग का कल्याण। तो चलिए चला जाए आगे की ओर, बढ़ा जाए मारकुंडी पहाड़ से नीचे, उतरा जाए हमारे प्यारे बंदर जी। यहाँ पर हमारे प्यारे बंदर जी हैं, क्या खा रहे हैं बंदर जी, आप चलेंगे मेरे संग ओबरा हुए बंदर अस्तले। भाई देख रहा था रे, कह रहा था हम आएंगे लेकिन अमनवा नहीं लेके आया ना, अमन कह रहा था बैठेंगे हम आगे, काहे नहीं बैठाए तो बैठा देते। भाई साहब मारकुंडी पहाड़ी हाउस, कांटा कितना पे है तेल, ये मंदिर है एक कांटा, ये मारकुंडी पहाड़ी है। वाह 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 वाह, क्या हरन है। पीमी 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 ये उतरे हैं खो। ये पहला मुड़ान है, ये दूसरा मुड़ान आएगा अब मारकुंडी का ना मन। उधर देखिए लुक लुक दिस बेबे, लुक दिस कितना छोटा है, कितना नीचे है। पहले यहाँ से डायरेक्ट जो पहाड़ से उड़ेगा एकदम आसमान के ऊंचाइयों पे, बुलंदियों को छुएगा। गाड़ी एकदम सुर सुर चल रही है। ये आ गया दूसरा मुड़ान, दूसरा मुड़ान है। हाँ ये दूसरा मुड़ान है देखिए, अरे बड़ी खतरनाक मुड़ान है भैया, एक क्या नीचे चला जाएगा। देखिए ये मारकुंडी का दूसरा मुड़ान, यहाँ से हम मुड़ते हुए अब सोटम सोट आगे सोटेंगे गाड़ी। इधर से कुछ लुक है जो नीचे का, धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो थोड़ा चेंज हो रहा है। ये होगा ओहो, ये अब हम लोग उतर चुके हैं दूसरे मोड़ से। वाओ ये मारकुंडी पहाड़ का कुछ लुक है, देख लीजिए ये पीछे से आ रहे हैं लोग, यही कुछ मारकुंडी पहाड़ है जो काट काट के इसके ऊपर रोड बनाया गया है, सबसे ऊंचा पहाड़ है सोनभद्र का, इसके ऊपर से आदमी क्या चीज से गाड़ी देखने के काम आता है ना, गाड़िया दिखे नहीं रहती। ये मारकुंडी पहाड़ी कुछ इस तरह से है, पूरा हरा हरा कुछ दिख नहीं रहा है पहाड़ कितना, लेकिन पास से देखेंगे और बड़ा है वो, तो ऊपर ले लौकेगा नहीं।
लेकिन गाड़ी भाई पूछिए मत। अरे अरे अच्छा से आराम से, इतना नहीं सुता हुआ। अबे साले क्या करे, क्या करे, गाड़ी रोक दे ना सुता है शीतल। ये तीसरा मुड़ान से हम नीचे होते हुए बस गाड़ी को सीरम सोटम सोट चलाए पड़े हैं अमन सानी जी। बस अब मारकुंडी से कुछ ही दूर पे हैं। अरे अरे लौके यार, हाँ देखिए बस रोड दिख रहा है सामने। हाँ सामने दिख रहा है ना। अरे नहीं दिख रहा है तो झाड़ी आ जा रहा है बार बार बैक झाड़ी तो सही है ना। वाह तेल थोड़ा ना खत्ते बंद हो गया है, उससे क्या है। हेलमेट वाले आदमी मार के तुम्हारा हेलमेट टकला कुल फोड़ देंगे। देखिए ये है तीसरा मुड़ान। देखिए इसी को कहते हैं तीसरा सबसे डेंजरस मुड़ान। यहाँ से बहुत लोग एकदम परलोक सिधार गए हैं। ये देखिए कैसे मुड़ा है गाड़ी भाई। सोनभद्र में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ हम लोग सोनभद्र में आइए ये देखिए कुछ लोग देख रहे हैं बड़ी खतरनाक है। यहाँ बहुत एक्सीडेंट हुआ वहाँ, ये वाले मुड़ान पे ना बहुत एक्सीडेंट हुआ है। पूछिए मत कितना एक्सीडेंट हुआ है, कहीं बताने लायक है ये नहीं। इतना एक्सीडेंट हो गया है, ये जैसे लग रहा है पहाड़ नहीं है, जैसे पेड़ होना है बस। लेकिन इतना बड़ा पहाड़ रास्ता बना हुआ है ये कि कोई जानता ही नहीं है। ये देख रहे हैं पहाड़ देखिए एकदम ऊँचाइयों से बुलंदियों को छूते हुए। इस पर बानर, इस पर जानवर भी बहुत रहते हैं। एक बार तो अजगर निकला था सबसे बड़का वाला अजगर मारकुंडी पे, देखे थे हमने एक बार पेपर में आया था। तो मारकुंडी उतर चुके हैं। देखिए मारकुंडी पहाड़ से उतरते हुए अब प्रस्थान करते हैं अपने ओबरा चोपन के तरफ।